तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं ईवल पार्ट सब इंसानों को काफी परेशान कर रही है। ईवल लोगों को रोकने के लिए जस्टिस क्लेन के सभी लोग साथ आते हैं और ईवल लोगों के खिलाफ वॉर शुरू कर देते हैं। हालांकि जल्द ही जस्टिस क्लेन के सभी लोग ईवल लोगों को हरा देते हैं और सिर्फ डेमन लॉर्ड बचता है। डेमन लॉर्ड का नाम यू बेरियन है, लेकिन डेमन लॉर्ड हार मानने से मना कर देता है और अब भी फाइट करने के लिए तैयार था। पर क्लेन के लीडर आगे आते हैं और बेरियन से फाइट करने लगते हैं। जल्दी बेरियन हार जाता है और वो बचने के लिए एक फिश में बदल जाता है। अब 13 साल बाद हम देखते हैं कि डेमन लॉर्ड बैरियर एक फिश में बदल चुका है। तभी वहां कोई आने लगता है तो बैरियर उससे डरकर छुप जाता है, पर असल में वहां डेमन लॉर्ड का बेटा यू रेंजी आ रहा था। फिर बैरियर रेंजी से कहता है कि उसे ज्यादा देर बाहर नहीं रहना चाहिए, पर रेंजी बताता है कि टाउन के लोग काफी अच्छे हैं। लेकिन फिर बैरियर रेंजी को समझाता है कि अगर बात कल्प मेंबर्स की हो तो वो लोग कोई दया नहीं करते। फिर बैरियर रेंजी की जिंदगी ठीक करने के लिए डिसाइड करता है कि रेंजी को हीरो का टाइटल हासिल करना होगा, जिससे लोग उसके ऊपर ज्यादा भरोसा करेंगे। फिर बैरियन रेंजी को जस्टिस लीग अकेडमी में जाने की कहता है। यह सुनकर रेंजी काफी खुश होता है क्योंकि उसे बाहर जाने को मिलेगा। फिर बैरियन वहां अपने एक साथी को बुलाता है जिसका नाम ली है, और वो रेंजी का बॉडीगार्ड बनकर जाएगा, जिसके बाद ली और रेंजी जस्टिस अकेडमी के लिए निकल जाते हैं। पर पूरे रास्ते ली रेंजी के कंधों पर बैठ कर जाता है और उसे कहता है कि यह सब उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। कुछ देर बाद वो दोनों पहुंच जाते हैं और एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। असल में वो लाइन चेक करने के लिए थी कि कहीं कोई कल्प मेंबर उनकी अकेडमी में ज्वाइन ना हो जाए। तभी एक लड़के को बाहर फेंका जाता है क्योंकि उसके कपड़ों पर एक कल्प कैरेक्टर बना था। पर फिर वो लड़का उन्हें समझाने की कोशिश करता है, तभी चीफ गार्ड कैम उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है क्योंकि उसे बहाने सुनने बिल्कुल ही नहीं पसंद। फिर उस लड़के को मारने के लिए भेज दिया जाता है। रेंजी ये देखकर काफी डरा होता है क्योंकि उसके साथ भी ऐसा होने वाला है, लेकिन ली उसे ना डरने की कहता है क्योंकि रेंजी की बॉडी पर कहीं भी कल्प मार्क नहीं है। पर तभी कुछ लोग सभी को बताते हैं कि डेमन लॉर्ड का बेटा टाउन में है और वो लोग उसके कपड़ों के बारे में भी बताते हैं, जिसे गार्ड्स उन सभी लोगों को ले जाने लगते हैं जिन्हें उसी तरह के कपड़े पहने थे। रेंजी को लगने लगता है कि अब वो नहीं बच पाएगा, लेकिन फिर ली रेंजी को एक क्यूट लड़की में ट्रांसफॉर्म कर देता है। ली का प्लान काम आता है और चीफ के साथ बाकी सभी गार्ड्स रेंजी को अंदर जाने देते हैं। अंदर रेंजी देखकर काफी हैरान हो जाता है कि ली भी लड़की की तरह कपड़े पहनकर अंदर आ चुका है, लेकिन तभी उनके ऊपर डिसिप्लिन डिपार्टमेंट की डायरेक्टर जिसका नाम मिंगजू है वो अटैक करती है। जल्दी उन्हें पता चलता है कि मिंगजू का शक सिर्फ ली के ऊपर है, तो ली भी ऐसा दिखाता है कि वो रेंजी को परेशान कर रहा है और वो मिंगजू को बता भी देता है कि वो कल्प का मेंबर है। रेंजी को बचाने के लिए मिंगजू ली से फाइट करने लगती है। फिर मिंगजू अपना गाय का अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी एक लड़का सेया ली पर अटैक कर देता है, जिससे ली को भी भागने का मौका मिल जाता है। अब मिंगजू सेया पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उसकी वजह से ली भाग गया। तभी सेया कुछ कंप्लेन करने लगता है तो रेंजी अपना स्कार्फ सेया को देता है, जिससे सेया रेंजी के प्यार में गिर जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि रेंजी एक लड़की है। फिर मिंगजू और रेंजी वहां से चले जाते हैं। फिर रेंजी को पता चलता है कि मिंगजू आदमियों से काफी नफरत करती है, हालांकि उसे रेंजी पसंद था क्योंकि उसे भी लग रहा था कि रेंजी एक लड़की है और साथ ही उसे मदद की भी जरूरत है। फिर मिंगजू रेंजी को डेमन लॉर्ड के बेटे की फोटो दिखाती है, जिससे रेंजी को लगने लगता है कि उसके बारे में अब सभी को पता चल चुका है। लेकिन फिर मिंगजू बताती है कि अभी भी डेमन लॉर्ड के बेटे का नाम किसी को नहीं पता, जिससे रेंजी को थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि अभी उसके बारे में सही से और सब कुछ किसी को भी नहीं पता। फिर मिंगजू बताती है कि उसका सपना है कि वो खुद डेमन लॉर्ड के बेटे को पकड़े और उसे अपने हाथों से मार दे, जिसके बाद मिंगजू और रेंजी ओपनिंग सेरेमनी के लिए चले जाते हैं, जहां मिंगजू मास्टर फेट को वेलकम करती है और फिर मास्टर अपनी स्पीच देने लगते हैं। लेकिन जल्दी लोग मास्टर की स्पीच से काफी बोर हो जाते हैं और कुछ लोग वहीं सो भी जाते हैं। ये देखकर मास्टर फेट लोगों के सामने कल के लोगों की बुराई करके उन्हें जोश में लाने लगते हैं। रेंजी ये देखकर काफी डरने लगता है और उसे लग रहा होता है कि वो गलत जगह आ गया है। तभी रेंजी जैसे कपड़े वाले एक पुतले को लटकाया जाता है और मिंगजू उस पर आग का तीर मारकर उसे जला देती है। तभी एक फेट बॉल हवा में जाती है और सभी लोग उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। रेंजी वहां से निकलने की कोशिश करता है, पर अपने आप ही बॉल रेंजी के हाथों में आ जाती है, जिसकी वजह से रेंजी को स्टेज पर बुलाया जाता है क्योंकि उसने पेट बॉल जीती थी। पर रेंजी को बॉल पकड़ने के लिए गिफ्ट दिया जाता है, जो कि मास्टर का एक आर्ट इफेक्ट था। साथ ही रेंजी को मास्टर का 10 साल का कल्टिवेशन गाय भी मिलेगा, जिसकी वजह से सभी लोग रेंजी से जेलस फील करने लगते हैं। फिर मिंगजू रेंजी से उसका सेट बताने को कहती है, साथ ही सभी लोग भी रेंजी का सेक्ट जानना चाहते थे, लेकिन रेंजी काफी घबरा जाता है और कहता है कि वो किसी भी सेक्ट में नहीं है। लेकिन इसे मास्टर को रेंजी पर थोड़ा शक हो जाता है, इसलिए अपनी कल्टीवेशन रेंजी को देने से पहले मास्टर रेंजी की कल्टीवेशन चेक करने की कहते हैं। रेंजी पीछे हट जाता है क्योंकि इसे रेंजी की असलियत सभी के सामने आ सकती है। जब तक मास्टर थक नहीं जाते, रेंजी उनसे दूर भागता रहता है। फिर रेंजी वहां से जाने लगता है, पर तभी मास्टर रेंजी में दूर से ही एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं, जिसकी वजह से रेंजी गिर जाता है। मिंगजू उसे उठाती है, हालांकि रेंजी बताता है कि उसे काफी अच्छा फील हो रहा है, पर रेंजी देखता है कि उसके चेस्ट प्लेट्स गिर चुकी है और सभी लोग उसकी असली पहचान के बारे में भी
बात करने लगते हैं। पर मिंजू रेंजी को बचाते हुए कहती है कि किसी को इसका मजाक नहीं बनाना चाहिए क्योंकि उसने चेस्ट प्लेट यूज़ की है। फिर मिंजू रेंजी को किस करती है, जिससे सभी को विश्वास हो जाता है कि रेंजी एक लड़की है, क्योंकि सभी को पता है कि मिंजू आदमियों से कितनी नफरत करती है। फिर सभी फाउंडेशन के प्लेसमेंट के लिए टेस्ट देने आ जाते हैं, जिसमें पहला टेस्ट स्पीड का था और चीफ कैम्प सभी को स्टेज के 50 चक्कर मारने को कहता है। पर जैसे ही सभी चक्कर मारने लगते हैं, कैम रेंजी को 100 चक्कर मारने को कहता है। रेंजी पूछता है कि सिर्फ उसे 100 चक्कर क्यों मारने हैं। कैम बताता है कि वो उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता जो किसी सेक्स से नहीं है। हालांकि रेंजी सबसे पहले अपने 100 चक्कर खत्म कर लेता है, जिसकी वजह से कैम को रेंजी पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर मिंजू वहां आकर बताती है कि मास्टर के कल्टीवेशन काय ने रेंजी को ज्यादा स्ट्रांग बना दिया है। अब अगले टेस्ट में उन्हें नाइफ से सही निशाना लगाना था। ज्यादातर स्टूडेंट्स गलत निशाना लगाते हैं, पर रेंजी अपने तीनों नाइफ एक साथ फेंकते हैं और तीनों ही बिल्कुल सही जगह लगते हैं। लेकिन फिर भी कैम रेंजी को फेल कर देता है। मिंजू बीच में बोलने की कोशिश करती है, पर कैम उसे कहता है कि अगर वो बार बार बीच में बोलेगी तो वो उसे भी फेल कर देगा। लेकिन तभी वहाँ एक छोटी सी लड़की बाई आ जाती है और वो कहती है कि वो उस टेस्ट को नहीं मानती। फिर कैम उसे पूछता है कि वो कौन सा सेक्स है। बाई बताती है कि वो सनफ्लावर सेक्स है। फिर बाई कैम को फाइट के लिए चैलेंज कर देती है। कैम भी फाइट के लिए मान जाता है और दोनों रिंग में आ जाते हैं। फाइट शुरू होती है लेकिन बाई हिलती भी नहीं। फिर कुछ देर बाद कैम आगे बढ़ता है और बाई को काफी पीट देता है। सभी को लगता है कि अब बाई कैम पर अटैक करेगी। अटैक करने के बजाय वो अपनी हार मान लेती है। तभी बाई के बिहेवियर से कैम को बाई के फादर की याद आती है और वो बताने लगता है कि उसका फादर भी उसकी तरह ही एक डरपोक था। बाई अपने फादर के बारे में ऐसी बातें सुनकर काफी गुस्से में आ जाती है, क्योंकि बाई को अपने फादर से काफी प्यार था। बाई की बातें सुनकर रेंजी को लगने लगता है कि बाई और उसकी लाइफ काफी हद तक एक जैसी ही है। फिर कैम अपने अटैक से बाई को हराने वाला होता है, पर तभी रेंजी बीच में आ जाता है और बाई को बचा लेता है। फिर रेंजी कैम को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। दोनों फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं, पर रेंजी सिर्फ कैम के अटैक से बच रहा था क्योंकि डीमन लॉर्ड ने उसे उसके पास किसी के सामने यूज करने से मना किया था, क्योंकि उसके पास काफी ज्यादा स्ट्रांग है। फिर हमें पता चलता है कि रेंजी जब छोटा था तभी से कल्प के लोगों ने रेंजी को काफी सारी फाइटिंग टेक्निक सिखाई थी, और साथ ही फाइनल वॉर के टाइम कल्प के स्ट्रांग मेंबर्स ने अपनी पावर रेंजी में ट्रांसफर कर दी थी। डीमन लॉर्ड एक स्लैब टेक्निक का यूज करता है और उसी टेक्निक का यूज रेंजी भी करता है, जिससे वो कैम को दूर गिरा देता है। कैम को इस टेक्निक के बारे में पता था और वो समझ आता है कि रेंजी कल्प का मेंबर है, लेकिन कैम किसी को बता पाता इससे पहले वो लस्ट से टॉर्चर होने लगता है, जो कि रेंजी की टेक्निक में शामिल है। सभी लोग रेंजी की तारीफ करने लगते हैं, पर तभी वहाँ हेड बुशिंग आता है और सभी को बताता है कि उनके बीच एक कल्प मेंबर है और बुशिंग का शक रेंजी पर था, क्योंकि उसने कैम को एक थप्पड़ में हरा दिया था। लेकिन फिर मिंजू बताती है कि ये मास्टर की दीप आस की वजह से हुआ है, पर तभी बुशिंग रेंजी पर अटैक करता है। हालांकि असल में वो अटैक झाड़ियों की तरफ था, जहां ली छुपा हुआ था। फिर ली वहां से भागने लगता है और बुशिंग उसका पीछा करता है, और हमें ये भी पता चलता है कि ली और बुशिंग एक दूसरे को पहले से जानते हैं। कुछ देर बाद प्लेसमेंट टेस्ट के रिजल्ट आते हैं और मिंजू ने सभी लोगों में सबसे अच्छा परफॉर्म किया था। साथ ही कुछ और स्टूडेंट्स भी एडवांस क्लास में पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ रेंजी के काफी अच्छे परफॉर्म करने के बाद भी उसे सबसे बुरी क्लास में डाला जाता है, और रेंजी की क्लास फॉरेस्ट के बीच में गंदा सा घर था। फिर रेंजी को पता चलता है कि सिया भी उसी क्लास में है और साथ ही बाई भी वही है। बाई बताती है कि उन्हें पढ़ाने के लिए कोई टीचर नहीं आने वाला है, तो उन्हें खुद ही पढ़ना होगा। तभी वहाँ बुशिंग आ जाता है, क्योंकि वो सभी लोग काफी ज्यादा आवाज कर रहे थे, जिसके बाद बुशिंग सभी लोगों के पॉइंट्स माइनस करने लगता है और बताता है कि जिसके भी 100 पॉइंट्स माइनस होंगे उसे निकाल दिया जाएगा। पर तभी बुशिंग रेंजी के 100 पॉइंट्स माइनस कर देता है और गार्ड्स को बुलाकर रेंजी को निकालने की कहता है। पर तभी बाई और सिया बीच में आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि अगर रेंजी को निकाला गया तो वो भी कैन में छोड़ देंगे। हालांकि बुशिंग उन तीनों को साथ में निकाल देने की कहता है, पर तभी मिंजू रेंजी को बचाने के लिए आ जाती है और मिंजू कहती है कि अगर बुशिंग को निकाला गया तो वो भी डिसिप्लिन ग्रुप छोड़ देगी, जिसकी वजह से बुशिंग को अपने ऑर्डर वापस लेने पड़ते हैं, क्योंकि मिंजू मार्शल आर्ट लीडर की अकेली बेटी है। तभी वहाँ मास्टर आते हैं और बुशिंग को बताते हैं कि रेंजी की क्लास में वो वही टीच करने वाला है। हालांकि ये काम कैम का था, पर वो पिछले फाइट से अभी तक उठ नहीं पाया है, इसलिए ये काम बुशिंग को दिया जा रहा है। फिर मास्टर रेंजी और मिंजू को अच्छे दोस्त बनने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो दोनों एक ही रूम में रहने वाले हैं। रेंजी के साथ रूम में मिंजू बताती है कि उसे पता है असल में रेंजी डीमन लॉर्ड का बेटा है, क्योंकि जब उसने रेंजी का बैग खोला था तब उसने बैग के अंदर रेंजी के असली कपड़े देखे थे, जिससे मिंजू को भी ये पता चल गया कि रेंजी एक लड़का है। फिर मिंजू रेंजी से पूछती है कि वो यहाँ क्या करने आया है। कुछ देर के लिए रेंजी अपने पास से कंट्रोल खो देता है और मिंजू को समझाने लगता है कि वो यहाँ से फेरो का सर्टिफिकेट लेने आया है। मिंजू रेंजी की बातों पर भरोसा कर लेती है, क्योंकि उसने हमेशा उसके साथ काफी अच्छा बर्ताव किया था। लेकिन फिर भी रेंजी कल्प का मेंबर है, इसलिए मिंजू मास्टर को इसके बारे में इन्फॉर्म करने की कहने लगती है। पर रेंजी काफी मासूम चेहरे के साथ मिंजू को ऐसा न करने की कहता है, जिसकी वजह से मिंजू भी इसके लिए मान जाती है और खुद रेंजी पर नजर रखने की कहती है। फिर सोने का टाइम आता है और मिंजू अपनी पार से बेड के नीचे में एक बैरियर बना देती है, लेकिन रात में मिंजू बोलने और हिलने लगती है।
साथ ही मिंजू बैरियर तोड़कर नींद में रेंजी के पास भी आ जाती है। नेक्स्ट डे मिंजू काफी अच्छी लग रही थी, पर रेंजी काफी थका हुआ लग रहा था क्योंकि वो पूरी रात सो नहीं पाया था। तभी उनके दोस्त भी वहां जाते हैं और बुशिंग भी वहां आकर सभी को बताता है कि उन्हें आज की क्लास में एक दूसरे से फाइट करनी होगी और जीतने वाले को 5 पॉइंट्स दिए जाएंगे और हारने वाले के 5 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। पर बुशिंग बताता है कि रेंजी से वो खुद फाइट करेगा क्योंकि रेंजी के पास मास्टर का 10 साल का काय है। बुशिंग किसी का भी काय पहचान सकता है, जिसकी वजह से मिंजू काफी परेशान थी क्योंकि ऐसे वो रेंजी का कल्प काय पहचान लेगा। जिसके बाद रेंजी और बुशिंग की फाइट शुरू होती है और बुशिंग अपने काय से रेंजी पर अटैक करता है। हालांकि रेंजी मास्टर के दिए काय को एक्टिवेट करता है, जिससे बुशिंग को पता नहीं चलता कि रेंजी कल्प मेंबर है। फिर वो दोनों फाइट करने लगते हैं। बुशिंग काफी ज्यादा स्ट्रांग था और वो रेंजी को काफी घायल भी कर देता है, पर रेंजी हार नहीं मान सकता था क्योंकि अगर वो हारा तो उसे एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाएगा। रेंजी बुशिंग से फाइट करने लगता है और रेंजी एक काफी स्ट्रांग अटैक करता है बुशिंग के ऊपर, जिसमें वो मास्टर के दिए पूरे काय का यूज कर लेता है। लेकिन फिर भी बुशिंग सीधा खड़ा था, पर तभी सभी देखते हैं कि बुशिंग रिंग से बाहर हो चुका है, जिसे रेंजी जीत जाता है। तो अब इस वीडियो का यही एंड होता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।